अनुपम मिश्रा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ सीधे कोलकाता से जुड़ गए। अनुपम, देखिए आप, शुभेंदु अधिकारी तो ये कह रहे हैं कि जो रूल्स हैं उन्हें फॉलो करना चाहिए, हालांकि वो खुद ही सस्पेंड हो गए हैं और अगले आदेश तक विधानसभा की कार्रवाई में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। लेकिन तस्वीरें देखिए यहां पर, जिस तरीके से टीएमसी विधायक और बीजेपी विधायक आपस में लड़ रहे हैं, बेहद शर्मनाक है। बिल्कुल नेहा, विधानसभा की सारी मर्यादाओं को खंडित कर देने वाली बेनजीर घटना की का जो की गवाही हम लोगों ने देखी आज, वो अपने आप में इस तरह की घटना शायद ही किसी को मतलब ठीक लगे, शर्मसार करने वाली घटना है। 2013 में इसी तरह की घटना हुई थी टीएमसी और लेफ्ट के विधायकों के बीच, लेकिन उसके बाद से लगभग 9 साल तक इस तरह की कोई घटना नहीं हुई। हालांकि बहस होती थी, कहासुनी होती थी, थोड़ा सा गर्म हो जाता था मामला, लेकिन आज जिस तरीके से मारपीट हुई है, सभी उसकी निंदा रहे हैं, बेहद ही शर्मनाक घटना है। और सबसे बड़ी बात है कि इस घटना के बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार चल रहा है। बीजेपी के 5 विधायकों को सस्पेंड कर दिया गया है, तो बीजेपी इसे एक तरफा कार्रवाई बता रही है, कह रही है कि वो कोर्ट भी जा सकती है। वहीं टीएमसी की ओर से कहा जा रहा है कि इसकी शुरुआत बीजेपी के जो विधायक हैं उन्होंने की। हालांकि हमने कई विधायकों से बातचीत की, जो शौकत मुल्ला जिनको वीडियो में देखा जा रहा है कि वो मारपीट कर रहे हैं, उनसे भी बातचीत की, तो वो भी लगातार आरोपों से खंडन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं पीछे था, जबकि वीडियो में उनको साफ दिखाया जा रहा है शौकत मुल्ला को कि वो आगे थे। वहीं मनोज टिक्का का आरोप है कि उनकी उनके साथ मारपीट की गई है, उनके शर्ट के बटन तोड़ दिए गए हैं। सिर्फ वही नहीं, उनके साथ और भी 4-5 विधायक हैं, उनके साथ भी मारपीट की गई है। शिखा चटर्जी जो महिला विधायक है उनके साथ मारपीट करने का आरोप है। तो यह आरोप प्रत्यारोप की राजनीति शुरू हो गई है। लेकिन सबसे निंदनीय बात यही है कि इस तरह की घटना जो सदन है, जो हाउस है, उसके भीतर हुई है। नेहा, बिल्कुल, और कहीं ना कहीं शुभेंदु अधिकारी जो कह रहे हैं उसकी तो अब जांच की ही जाएगी कि आखिरकार ये मामला दरअसल शुरू कैसे हुआ। लेकिन ये देखिए हाथापाई की ये तस्वीरें विधानसभा के भीतर से, जो कि एक वीडियो के जरिए बीजेपी ने जारी की है। हालांकि इससे कुछ भी स्थिति स्पष्ट नहीं हो रही है, लेकिन ये जरूर है कि काफी देर तक ये संघर्ष चलता रहा और उसके बाद सस्पेंशन का सामना बीजेपी के 5 विधायकों को करना पड़ा है। शुभेंदु अधिकारी अब ये मांग कर रहे हैं कि जो नियम है उसके अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए, दोनों पक्षों को सुना जाना चाहिए, बिना सुने यूं ही निलंबन कर देना, सस्पेंशन करना ठीक नहीं है। अनुपम मिश्रा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़े हुए। अनुपम, देखिए जिस तरीके से बीरभूम का ये मामला है, जब जांच कमेटी गठित कर दी गई, सरकार ये कह रही है कि पूरे मामले पर वो नजर रख रही है, बीजेपी के एक प्रतिनिधिमंडल वहां पर मुआयना करने भी पहुंचा था, सब कुछ तो चल रहा है ना, अब ये पूरा का पूरा ये जो अंदर विधानसभा के चल रहा है, इसकी क्या जरूरत है? क्वेश्चन आर में पूछ लेते सवाल। देखिए नेहा, दरअसल 2021 में जिस तरीके से बीजेपी ने जो मनचाहा रिजल्ट चाहा था वो नहीं हुआ, टीएमसी अप्रत्याशित तरीके से नतीजों के साथ जीत के आई, उसके बाद से सिर्फ बीजेपी को ही नहीं, विरोधियों को भी कोई मौका नहीं मिल रहा था कि किस तरह से राजनीति को आगे बढ़ाएं। लेकिन रामपुरहाट की घटना और उससे पहले 2 काउंसलर्स का मर्डर, इन 2 घटनाओं के बाद जो विरोधी हैं, खासतौर पर बीजेपी, टीएमसी और कांग्रेस, तीनों एक तरह से आप कह सकते हैं कि जाग उठे हैं और आंदोलन की राह पकड़ ली है। लगातार आंदोलन चल रहा है, सिर्फ बीजेपी नहीं, कांग्रेस की ओर से भी लगातार न्याय यात्रा निकाली जा रही है, बीजेपी लगातार प्रोटेस्ट कर रही है। हालांकि जबकि अब सीबीआई की जांच के लिए भी अदालत ने दे दिया है, जो मांग कांग्रेस और बीजेपी की ओर से की जा रही थी। तो ऐसे में ये एक तरह से यहां पर राजनीति भी है कि जिस तरीके से घटना हुई है उसके बाद किस तरह से जो बीजेपी कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरा हुआ था, या कांग्रेस से या लेफ्ट की हम बात करें तो उनका मनोबल जो गिरा हुआ था 2021 में जिस तरीके से ममता बनर्जी जीत कराई, तो एक माहौल चाहिए था, वो माहौल फिलहाल सबके सामने उपस्थित है, दिख रहा है, और उसी के लिए फिलहाल कोशिश हो रही है कि जो मनोबल है पार्टी कार्यकर्ताओं को, उसको बढ़ाया जाए और इसका राजनीतिक फायदा उठाया जाए, यह भी यहां पर एक दिखाई दे रहा है। और दूसरा, ममता बनर्जी को घेरने की पूरी कोशिश भी यहां पर है, क्योंकि जिस तरीके की घटना हुई है वो बेहद ही निंदनीय घटना है, इस तरीके की घटना शायद ही कहीं होती है। तो ऐसे में इस तरीके की घटना को लेकर अब राजनीति और आगे कैसे बढ़ाई जाए, ये फिलहाल यहां पर विरोधियों की ओर से दिखाई जा रहा है। हालांकि ममता बनर्जी भी कोशिश कर रही है किसी तरह इस पर जो राजनीति है वो थमे।